नमस्कार, मणिगुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कुछ जरूरी बदलाव किए हैं, जिनकी शुरुआत अक्टूबर महीने से हो चुकी है। अब इन बदलावों से आम पॉलिसी धारक को क्या फायदा होगा, इन नियमों का आपके हेल्थ इंश्योरेंस पर क्या असर पड़ेगा, क्या बदलावों से प्रीमियम पर भी कुछ असर पड़ेगा, प्रीमियम में क्या बढ़ोतरी हो सकती है और कुल मिलाकर क्या फायदा होने जा रहा है इंश्योरेंस सेक्टर को, ये आज हम समझेंगे अपने शो में। हमारे साथ हैं आज अमित छाबड़ा, बिजनेस हेड हेल्थ पॉलिसी बाजार। अमित, बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद सर। तो चलिए, क्या खास चर्चा आज हम शो में करने जा रहे हैं, उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे, 8 साल बाद क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकेगी बीमा कंपनी, कैसे बढ़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा, हेल्थ इंश्योरेंस में टेलीमेडिसिन खर्च कवर का क्या फायदा होगा और क्या इन बदलावों से बढ़ सकता है प्रीमियम। तो अब एक एक करके समझते हैं कि अक्टूबर महीने से हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बदलने वाला है, इन बदलावों के क्या मायने हैं पॉलिसी धारक के लिए। सबसे पहले अमित, जो एक बड़ा जो चेंज हम अक्टूबर महीने में देख रहे हैं और उससे आगे आने वाले टाइम में देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में, वो ये कि 8 साल बाद किसी भी पॉलिसी धारक का क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले ये 8 साल का जो टेन्योर है या पीरियड है, ये क्या है, इसके मायने क्या हैं और क्लेम रिजेक्शन नहीं करने का जो इंश्योरेंस कंपनी का जो हक है या उनका जो पावर है, वो कैसे यहाँ पर डाइल्यूट किया है IRDAI ने। बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इस पे। कोई भी क्लेम अगर रिजेक्ट करा जाता है, उसके दो ही रीजन होते हैं क्लेम रिजेक्ट करने के। पहला रीजन ये होता है कि अगर वो कोई, मान लीजिए कोई फ्रॉड क्लेम है, जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुआ और उन्होंने क्लेम के लिए डाल दिया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो वो तो एक सीधा साधा फ्रॉड केस है, तो आई थिंक उसको अलग रखते हैं, बिकॉज फ्रॉड जो कस्टमर है उनका क्लेम तो अभी भी नहीं पास होगा। लेकिन इसके अलावा जो एक रीजन है जिससे कस्टमर हमेशा थोड़े खफा होते थे, वो ये था कि अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर होता है, उसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होता था। अब इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने आज पॉलिसी खरीदी एंड आपको मान लीजिए हाइपरटेंशन नहीं है अभी, अब 8 साल बाद आपको हाइपरटेंशन डेवलप होता है और उसकी वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। अब उस टाइम पे ना सवाल ये आता है, जो कि कस्टमर्स और डॉक्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये सवाल घूमता है कि कहीं हाइपरटेंशन पहले से तो नहीं था। इसका मतलब ये है कि क्या ये बीमारी पॉलिसी लेने के पहले से थी और कस्टमर ने बताई नहीं थी। इसका मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर। तो इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि शायद ये बीमारी पहले थी, कस्टमर ने बताई नहीं, और वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के पास उस टाइम पे ये हक होता है कि वो नॉन डिस्क्लोजर के चक्कर में क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। अब 90% केसेस में तो देखिए ये कस्टमर अपनी जगह सही होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता भी है कि कस्टमर अपनी बीमारी बताते नहीं है और उस चक्कर में उनका क्लेम भी रिजेक्ट होता है। तो अब जो नई गाइडलाइन आई है, उसके हिसाब से IRDAI ने, आई थिंक ये बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली मूव है, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको पॉलिसी लिए हुए 8 साल हो चुके हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई राइट नहीं है क्लेम रिजेक्ट करने का, अनलेस वो फ्रॉडुलेंट क्लेम हो। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हो और आप क्लेम करना चाह रहे हैं, तो वो तो गलत होगा ऑब्वियसली। लेकिन कोई भी और रीजन, चाहे मान लीजिए आपको कोई बीमारी पहले डेवलप हुई बाद में डेवलप हुई, अगर आपकी पॉलिसी को 8 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। इसको एक मॉरेटोरियम की तरह बोला गया है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बहुत बारी क्या होता था कि लोग सालों साल प्रीमियम देते थे, 8 साल 10 साल से प्रीमियम दे रहे थे, लेकिन जब उनकी क्लेम लेने की बारी आई, तब किसी रीजन से उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं कस्टमर ग्रीवांस काफी ज्यादा होता था। इसीलिए IRDAI ने ये बोला है कि अगर आपको 8 साल हो चुके हैं और आपकी पॉलिसी चल रही है 8 साल से, तो उसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। वो जेन्युइन क्लेम होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जरूरी है। लेकिन अगर आपका जेन्युइन क्लेम है, आप हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हुए हैं, देन इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई राइट नहीं है आपका क्लेम रिजेक्ट करने का, आपका क्लेम अप्रूव होगा, आपको आपके पैसे मिलेंगे। ओके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की तरफ से पॉलिसी धारक के हक में जाती है कि 8 साल तक अगर आपके पास कोई पॉलिसी है, तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है, बशर्ते वो कोई फ्रॉडुलेंट क्लेम ना हो। अब
दूसरा जो बड़ा बदलाव है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ है अमित। ये हम सबको पता है कि कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनको, या क्रिटिकल इलनेस जिनको कहेंगे, जिनको जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कवर करने से मना कर देती हैं। तो यहाँ पर अब हेल्थ इंश्योरेंस में गंभीर बीमारियों का दायरा कैसे बढ़ने जा रहा है और ऐसी कौन से एक्सक्लूजन्स थे या ऐसी कौन सी बीमारियां थी जो कि पहले इस श्रेणी में नहीं आती थी जिसको अब इस लिस्ट में डाला गया है? बिल्कुल, तो एक जो सबसे बड़ा, आपने सही बोला बिल्कुल, जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये आया है कि एक्सक्लूजन को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि एक्सक्लूजन हर कंपनी के अलग अलग होते थे एंड ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक आम आदमी को, नॉर्मल कस्टमर को समझ नहीं आते कई बार या उनसे मिस हो जाते हैं। तो उसी को ही करेक्ट करने के लिए रेगुलेटर ने ये बोला है कि अब हर पॉलिसी में, कोई भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की आप पॉलिसी खरीदते हैं उसमें आपको एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सक्लूजन मिलेंगे, वो हर पॉलिसी में सेम है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मानसिक बीमारियां, अब ये बहुत कॉमन चीज़ है आजकल और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमने अपने आसपास देखा है बहुत केसेस होते हैं जहां मानसिक बीमारियां होती हैं लोगों को, डिप्रेशन हो गया, एपिलेप्सी हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हो जाती हैं। पहले कुछ कंपनी इसको कवर करती थी, कुछ नहीं कवर करती थी। अब IRDAI ने ये बोला है कि मेंटल इलनेसेस कवर होंगी हर इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो अब इसमें बिल्कुल कुछ ग्रे नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, बहुत साफ है, कोई भी मानसिक बीमारी होती है उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसी तरह रोबोटिक सर्जरीज, मैं कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज अब बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, ये बेसिकली अच्छे हाई प्रिसिशन सर्जरीज होती हैं एंड जो काफी गंभीर बीमारियां होती हैं उनके इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरीज को यूज करा जाता है। अभी तक अगेन सेम था, कुछ कंपनीज अलाउ करती थी, कुछ नहीं अलाउ करती थी, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड हर इंश्योरेंस पॉलिसी में रोबोटिक सर्जरीज कवर होंगी। इसी तरह न्यूरो डिसऑर्डर्स है, स्टेम सेल थेरेपी है, रोबोट बेरियाट्रिक सर्जरीज हैं, ये कुछ और ऐसी चीजें हैं जो कि पहले कवर नहीं होती थी लेकिन अब कवर होने लगी है। ये काफी लंबी लिस्ट है चीजों की, पॉइंट ये है कि अब एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, तो अब आप कहीं से भी अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं, आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी लेते हैं, एक्सक्लूजन सेम रहेंगे, एग्जैक्टली सेम रहेंगे अक्रॉस कंपनी, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप जाके बिना निश्चिंत होकर आप एक अच्छी अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी है कि क्या कवर होगा क्या कवर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर न सिर्फ दायरा बढ़ाया गया है बीमारियों का, कवरेज का, बल्कि उसको स्टैंडर्डाइज भी कर दिया गया है अक्रॉस ऑल द कंपनीज या पॉलिसीज। वो एक्सक्लूजन लिस्ट जो होगी वो सेम होगी, जिससे जो पॉलिसी धारक है उसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इस प्लान में तो ये बीमारी कवर नहीं थी तो दूसरे प्लान में ये बीमारी कवर है, और जिस बीमारी का उन्हें कवर लेना है वो बीमारी उनके एग्जिस्टिंग प्लान में कवर नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में IRDAI ने लेने को कंपनीज को कहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो जिस पॉइंट की मैं बात करने जा रही हूँ अमित, वो ये है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, यानी जो पहले से मौजूद बीमारियां हैं उसकी नई परिभाषा बना दी गई है। एक तो सबसे पहले ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का जो इम्पोर्टेंस है वो हेल्थ इंश्योरेंस में कितना होता है और इस नई डेफिनेशन के तहत पॉलिसी धारक को फायदा कैसे होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब ये है कि आपको एक पहले से बीमारी है, आप उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं। बहुत बारी ये देखा जाता है कि जिन लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती है बट उनको कोई बीमारी होती है, जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एस्थमा हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हुई, तो वो काफी लोग उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब ऐसे में इनको प्री एग्जिस्टिंग इलनेस बोलते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिसी अपने लिए खरीदने वाले हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों पे वेटिंग पीरियड लगाते हैं। तो अगर आप आज पॉलिसी खरीदते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कवरेज आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों पे वेटिंग पीरियड लगता है एंड ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज में ये 2 साल का होता है, कुछ में 3 साल, कुछ में 4 साल, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्लान खरीद रहे हैं वो वेरी करेगा, लेकिन ये वेटिंग पीरियड लगता है हर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तब आप डिक्लेयर करें कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस कौन सी है, बिकॉज अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये नॉन डिस्क्लोजर माना जा सकता है, जिसके रहते हुए आपका क्लेम भी रिजेक्ट करा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डेफिनेटली डिक्लेयर करें। अब इसका डेफिनेशन क्या है,
प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब ये है कि पिछले 4 साल में अगर आपका कोई भी सर्जरी हुआ है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, आप किसी बीमारी, कोई भी बीमारी आपकी चल रही है, आप उसकी दवाई लेते हैं, या आपने किसी भी डॉक्टर को कभी भी कभी दिखाया है उस चीज के लिए, तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में शामिल होती है। ऐसी कोई भी चीज आपको डेफिनेटली डिक्लेयर करनी चाहिए जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, तो सो दैट आगे चल के बाद में आपको कभी क्लेम की दिक्कत ना आए। बहुत आसान है इसकी डेफिनेशन। आपको अगर कुछ भी कभी भी हुआ है, कोई भी बीमारी, कोई सर्जरी, कोई एक्सीडेंट, कोई कुछ भी, कोई फ्रैक्चर भी अगर हुआ है, आपको वो डेफिनेटली डिक्लेयर करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए, और अपना प्रपोजल फॉर्म भरते हुए वो डेफिनेटली वहां पे मेंशन करना चाहिए कि ये मेरे को पहले हो चुका है, ये एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। ओके ठीक है, तो पहले से डिस्क्लोजर जो पॉलिसी धारक है, जिन्हें पॉलिसी लेनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी के सामने अपने किसी भी जो प्रेजेंट कंडीशन है, जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या पहले से मौजूद बीमारी है, वो देना जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त शामिल हो चुके हैं, महेश पांडे, इनसे बात करते हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। आपने अपना सवाल हमें भेजा था, हमारे एक्सपर्ट पॉलिसी बाजार से अमित छाबड़ा जी साथ हैं, वो जानना चाहते हैं आपका सवाल थोड़ा सा और डिटेल में, जिस पर वो अपनी राय देंगे। जी मैडम, मैडम मेरा जो सन है उसको बर्थ से ही एक प्रॉब्लम था हार्ट का, इट इज कॉल्ड TGA, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली, ठीक है। तो उसका ऑपरेशन शुरुआत के 1 महीने में ही कर देना पड़ा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन तो ही कैन नॉट सर्वाइव वैसा है। तो अभी वो बेटा 5 साल का हो गया है, पर इंस्पाइट ऑफ दैट मैं उसका पॉलिसी लेने जा रहा हूँ, तो मुझे बताया जा रहा है कि भी क्योंकि सिंस बर्थ उसको एक प्रॉब्लम था हार्ट रिलेटेड, उसका पॉलिसी इश्यू नहीं होगा। अभी आई अंडरस्टैंड कि हार्ट रिलेटेड सर्जरी हो चुका है तो कुछ वेटिंग पीरियड होगा, लेकिन अगर उसको मतलब पॉलिसी इश्यू नहीं करेंगे तो वो तो मलेरिया या किसी निमोनिया या उसके लिए भी कवर नहीं मिल रहा है मुझे। तो इस बारे में अगर कोई पॉलिसी है जो इस तरह से तो दिक्कत आ रही है महेश जी को। जी महेश जी, ओके, तो इनके बेटे की बचपन में हार्ट सर्जरी हुई थी, अमित, बिल्कुल हाँ, आप इनसे अमित डायरेक्टली महेश जी से समझ भी सकते हैं कि इसमें और क्या इनकी मदद की जा सकती है, पॉलिसी मिलेगी इनके बेटे को कि नहीं। बिल्कुल देखिए, पॉलिसी डेफिनेटली मिल सकती है। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप लेट्स से अगर आप एक ऐसी पॉलिसी लेने जाएंगे जो बिल्कुल हेल्दी किसी को मिलेगी, वो शायद ना मिले। लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि ऐसे लोग ऐसे इस केस में बच्चा है, ऐसे केस में बच्चे या फिर अडल्ट के लिए होती है जिनको कोई बीमारी पहले से है, जैसे कि अगर हार्ट की सर्जरी हो चुकी है तो स्पेशल प्लान आते हैं जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए या हार्ट जिनको हार्ट की कुछ बीमारी हुई है इन द पास्ट उनके लिए होते हैं। जैसे कि एक रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान आता है केयर हार्ट, ये स्पेसिफिकली ऐसे ही सिचुएशंस के लिए है जहां पे कुछ हार्ट सर्जरी हुई है या कुछ अगर हार्ट की प्रॉब्लम चाहे तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। अब इसमें इसमें एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसा हेल्थ प्लान खरीदे जहां पे परमानेंट एक्सक्लूजन लग जाएगा हार्ट की बीमारी पे। इसका मतलब यह है कि शायद हार्ट की बीमारी कभी कवर ना हो उनके लिए, वो एक्सक्लूड होगी हमेशा पॉलिसी में से, लेकिन बाकी सब कुछ, जैसे कि आपने बोला डेंगू मलेरिया होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टांग में चोट लग जाती है या कोई और गंभीर बीमारी होती है, तो वो सब कवर होगा लेकिन हार्ट की बीमारी कवर नहीं होगी। एक ही ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा और तरीके ऑप्शन भी हैं, कुछ स्पेशल प्लान आते हैं जो कि हार्ट के मरीजों के लिए ही बने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया केयर हार्ट एक प्लान आता है, आप ऐसे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। ये प्लान देने से दिलवाने से पहले थोड़ा सा इसमें डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस में सर्जरी हुई थी तो उसका एक डिस्चार्ज समरी होगी, वो देखना पड़ेगा, वो देखने के बाद मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि प्लान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई प्लान डेफिनेटली मिल सकता है। तो आप बिल्कुल आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई ना कोई प्लान डेफिनेटली मिल जाएगा जिसमें आपकी फैमिली पूरी कवर हो सकती है। ओके महेश जी, आप संतुष्ट हैं इस जवाब से कि कोई हार्ट स्पेसिफिक प्लान, रेलिगेयर केयर हार्ट प्लान, आपने कोई प्लान्स देखे हैं, समझे हैं, साइट्स पर जाकर और इंश्योरेंस कंपनी से बात करके लिए, आप कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे? मैंने एक पॉलिसी के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया था, इसमें मुझे मतलब मैं मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चों के लिए अप्लाई किया था, तो उनका जवाब ये आया कि आप जो छोटा बेटा है जिसको ये हार्ट प्रॉब्लम है उसको एक्सक्लूड करके हम बाकी तीनों को पॉलिसी इश्यू कर सकते हैं, पर उसको इश्यू नहीं होगी।
मैंने उनको ये भी बताया कि भाई अगर उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड है, अभी बच्चा 5 साल का है, आप चाहे तो मैं 18 इयर्स तक वेटिंग पीरियड के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है, अगर उसका ऐसा कुछ है, या आप चाहे तो हार्ट को एक्सक्लूजन जो सर ने बताया अभी वैसा एक्सक्लूजन करके भी लेना है तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। सब अदर बीमारीज या एक्सीडेंटल चीजें तो कवर होनी चाहिए, पर उसके बावजूद मुझे पॉलिसी इश्यू नहीं हुआ, तो उसके बारे में IRDA का गाइडलाइन क्या कहता है मुझे वो जानना था कि कंपनी के पास ये राइट्स है टू नॉट टू इश्यू द पॉलिसी। बिल्कुल, देखिए अंडरराइटिंग अमित, एक्चुअली ये थोड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है महेश जी का। IRDAI ने गाइडलाइंस ने जो अभी हम जिसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीजेज हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि इनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ है अभी, फिर भी जो कंपनी है इन्हें नहीं दे रही है प्लान, तो क्या ये IRDAI के गाइडलाइंस के अपोज जाता है, अगेंस्ट जाता है, या बिल्कुल उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही कंपनीज एक्ट कर रही हैं इनके केस में? देखिए कंपनीज अपनी जगह सही कर रही हैं, बिकॉज अंडरराइटिंग जो है, अंडरराइटिंग मतलब एक पॉलिसी इशू करनी है या नहीं करनी है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रेरोगेटिव है, उनका डिसीजन है। तो आप एक कंपनी डिसाइड कर सकती है, जैसे मान लीजिए हम डायबिटीज का कोई भी मरीज नहीं लेंगे अपनी पॉलिसी में, ये एक इंश्योरेंस कंपनी की डिसीजन है एंड उनके पास पूरा हक है ये डिसीजन लेने का। तो आई थिंक वहां पे रूल्स फॉलो हो रहे हैं सारे, जो रेगुलेटर ने जो रूल्स डिफाइन करे हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं। बट महेश जी इस केस में ना देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ही होंगी जो कि आपको पॉलिसी इशू करेंगे जिसमें आपका बेटा भी शामिल हो पाएगा। सारी पॉलिसीज अगर आप देखने जाएंगे तो सारी पॉलिसीज नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल पॉलिसीज हैं जो कि डेफिनेटली मिल सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एक पॉलिसी जहां पे मेरे को लगता है काफी ज्यादा चांसेस है मिलने के, वो है केयर हार्ट बाय रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हार्ट के मरीजों के लिए ही बनी है, जिनकी हार्ट की सर्जरी हुई है या कुछ और कंडीशन है। तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक जाके डिटेल में जाके देखना पड़ेगा, बट कुछ ऐसी पॉलिसीज डेफिनेटली हैं जो कि इशू हो सकती है। बट अगेन दोबारा से एक बार ही पहले मेडिकल रिपोर्ट देखने पड़ेंगे, डिस्चार्ज समरी चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पॉलिसी इशू हो पाएगी। ओके महेश जी, हम आपकी मदद इसमें ये कर सकते हैं कि आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट हम हमारे एक्सपर्ट को फॉरवर्ड करके उनके ऑब्जर्वेशन के लिए हम भेज सकते हैं, और वो शायद आपको बेहतर ढंग से और उसको स्टडी करके बता पाएं कि आपके बेटे को सूट जो पॉलिसी करती है वो कौन सी हो सकती है। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए महेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद भी हम कुछ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े बदलावों पर चर्चा करेंगे, खासतौर पर टेलीमेडिसिन, ये जो नई टेक्नोलॉजी के जरिए आजकल इलाज का एक ट्रेंड चल पड़ा है वो क्या है, और वो क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा, इसको लेकर क्या गाइडलाइंस है, ये भी समझेंगे थोड़ी देर में। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस IRDAI की तरफ से, कुछ ऐसे बदलाव अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं जो पॉलिसी धारक के लिए क्या फायदे लेकर आए हैं, ये समझ रहे हैं अमित छाबड़ा से। अमित जी ये बताइए कि टेलीमेडिसिन खर्च अब हेल्थ इंश्योरेंस में होगा, टेलीमेडिसिन इलाज कवरेज से क्या फायदा पॉलिसी धारक को होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये एक आजकल के टाइम में स्पेसिफिकली कोविड चल रहा है तो ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है सडनली। टेलीमेडिसिन का मतलब ये है कि जहां पे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन आप उसके पास फिजिकली नहीं जाते हैं, आप ऑनलाइन किसी मोबाइल वेबसाइट के थ्रू, किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं, कंसल्ट करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, ये किसी भी चीज हो सकता है, नहीं किसी का कोरोना के लिए, बट किसी भी चीज के लिए अगर आप किसी भी डॉक्टर को ऑनलाइन और फोन के थ्रू कंसल्ट करते हैं उसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। अब आज तक टेलीमेडिसिन कवर नहीं होता था हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, अगेन ये एक ऐसी चीज थी जो आज तक किसी ने कवर नहीं करी थी, लेकिन अब स्पेसिफिकली आजकल के टाइम में पिछले 6 महीने से जब से कोरोना फैलता जा रहा है इंडिया में और ज्यादा, तो IRDAI ने ये बोला है कि सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनमें की OPD कवरेज है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, OPD कवरेज मतलब आउट पेशेंट कवरेज है, उन सारी पॉलिसीज में टेलीमेडिसिन को भी OPD का पार्ट समझा जाएगा। तो जहां पे आप, सो अगेन मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दो तरह की कवरेजेस होती है, एक IPD है मतलब इन पेशेंट जहां पे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और दूसरा होता है OPD जहां पे आप कस्टमर अपनी किसी डॉक्टर को दिखा के आते हैं अपने आप को और उसके बाद आप दवाई ले लेते हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं उस केस में। तो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कि OPD को भी कवर करते हैं। IRDAI का जो डायरेक्टिव है वो ये कहता है
कि टेलीमेडिसिन को भी ओपीडी के बराबर माना जाएगा, बिकॉज आजकल लोग प्रेफर नहीं करते डॉक्टर्स के पास फिजिकली जाना, वो इंस्टेड प्रेफर करते हैं टेलीमेडिसिन यूज करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि ओपीडी कवर होता है, देन आप बेझिझक टेलीमेडिसिन भी यूज कर सकते हैं और आप उसे क्लेम कर सकते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर करेगी। ठीक है, ओके। तो ओपीडी एक्सपेंस कवर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में होना जरूरी है अगर आपको टेलीमेडिसिन चार्ज क्लेम करना है अपने हेल्थ इंश्योरेंस में। अब थोड़ा टेक्निकल है अमित, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे, प्रोपोर्शनेट डिडक्शन से अब IRDAI के नए निर्देशों के मुताबिक छुटकारा मिलेगा, ये क्या है? बिल्कुल, आई थिंक आपने सही बोला, थोड़ा टेक्निकल है, बट ये एक ऐसी चीज है जिसमें कस्टमर ग्रीवांस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें रूम रेंट कितना अलाउड है। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें 5,000 रुपये तक का रूम अलाउड है। पुरानी कुछ पॉलिसी स्पेसिफिकली पहले जमाने में कुछ ऐसी पॉलिसीज आती थी जिसमें रूम रेंट पे लिमिट होती थी। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी पॉलिसी है जिसका रूम रेंट लिमिट है 5,000 रुपये। अब मान लीजिए आपको कुछ होता है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं, एंड आप वहां जाके एक ऐसा रूम लेते हैं जिसका रेंट है दिन का 10,000 रुपये। ये बहुत मामूली है, आजकल किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में 10,000 से ऊपर के ही कमरे होते हैं। तो मान लीजिए आप एक 10,000 रुपये का रूम लेते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी अलाउ करती थी 5,000 रुपये तक का रूम। अब इसका मतलब क्या है, जो एक नॉर्मली मामूली तौर पे कस्टमर समझते हैं वो ये होता है कि चलो 5,000 मैं अपनी जेब से दे दूंगा, 5,000 कंपनी दे देगी, इसके अलावा बाकी सारे खर्चे तो कवर हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में होता ये है, और जो कि कस्टमर को बाद में एक सरप्राइज की तरह बाद में पता चलता है कि ना सिर्फ रूम रेंट बल्कि एवरी अदर थिंग जो कि आपके जो जिसका भी खर्चा हुआ आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, उसका खर्चा उसका भी उतना ही खर्चा कटेगा जितना रूम रेंट का कट रहा है। तो मान लीजिए आपने 10,000 का रूम लिया और आपको 5,000 ही रूम रेंट मिला, तो 50% आपका डिडक्शन हो गया। अब 50% डिडक्शन हर चीज में होगा। मान लीजिए वो आपको टेस्ट हुआ है, ICU का चार्ज है, मान लीजिए कोई दवाइयां है, कोई डॉक्टर विजिट का, डॉक्टर कंसल्टेशन का चार्ज होता है, हर चीज पे 50% कटेगा। तो ये एक ऐसा रूल है जो शुरू से चलता आ रहा था, कहीं ना कहीं ये सही भी था, क्योंकि आप ऐसे समझिए जब भी आप अच्छा महंगा रूम लेते हैं तो डॉक्टर के विजिट चार्जेस बढ़ जाते हैं, खाने का खर्चा बढ़ जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का खर्चा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सही भी था और कस्टमर को इससे काफी परेशानी हुई, बिकॉज ये कस्टमर को इनिशियली समझ ही नहीं आता था, एंड देन जब फाइनल बिल बनता था तब उन्हें पता चलता था कि एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें अपनी जेब से देना पड़ रहा है। अब IRDAI ने जो एक डायरेक्टिव निकाला है वो ये है कि कुछ स्पेसिफिक चीजों पे डिडक्शन नहीं होगा, जैसे कि ICU के खर्चे पे डिडक्शन नहीं होगा, बिकॉज ICU में अलग अलग कमरे नहीं होते, ICU एक स्टैंडर्ड ICU होता है, तो उसमें खर्चे में फर्क नहीं, उसमें डिडक्शन नहीं कर सकते। सिमिलरली डायग्नोस्टिक टेस्ट है, दवाइयां हैं, अब दवाई तो दवाई है, आप मान लीजिए अच्छे रूम में है या सस्ते रूम में है, दवाई तो उतना ही खर्चा होता है। तो कुछ ऐसी चीजें उन्होंने डिफाइन करी है, जैसे कि ICU का चार्जेस हो गए, दवाइयां हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, इनका खर्चा प्रोपोर्शनल डिडक्शन में नहीं होगा, ये पूरा दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन फिर भी डॉक्टर कंसल्टेशन या खाने का खर्चा ये सब अभी भी डिडक्ट होगा, डिडक्ट होगा। तो इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट और इजी टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। समय की कमी है थोड़ी सी, बहुत ही क्विकली मैं चाहती हूँ इन दो पॉइंट्स पे आप क्लियर करें। एक तो किश्तों में प्रीमियम, हालांकि पहले ही IRDAI अपने सर्कुलर में कह चुकी थी थोड़ा लोगों से बोझ हटाने के लिए आप EMI में अपना प्रीमियम दीजिए, और क्या इन तमाम बदलावों से प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती है? बिल्कुल, पहला सवाल, अब हेल्थ इंश्योरेंस EMI पे खरीदा जा सकता है, ये बहुत आसान हो गया है कस्टमर्स के लिए। अब उन्हें पूरे लेते अगर 12,000 रुपये की आपकी पॉलिसी है तो एक्चुअली आपको अभी सिर्फ 1,000 रुपये ही देने हैं, और आप हर महीने 1,000-1,000 रुपये दे के अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चला सकते हैं। तो ये एक सिंपल EMI या इंस्टॉलमेंट है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई इनकम प्रूफ कुछ नहीं चाहिए, आप सिंपल तरीके से हर महीने 1,000-1,000 रुपये दे के अपनी पॉलिसी चला सकते हैं। तो इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड स्पेसिफिकली आजकल के टाइम में कोविड के दौर में थोड़ा फाइनेंशियली सबको दिक्कत है, ऐसे में कस्टमर के लिए आई थिंक अफोर्डेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये था पहला सवाल। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसका आंसर हाँ या ना दोनों है, बिकॉज कुछ कंपनीज ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाए हैं,
लेकिन जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 5% की बढ़ोतरी है। और IRDAI ने ही बोला है कि मैक्सिमम आप 5% तक ही बढ़ा सकते हैं। कुछ कंपनी के पूरे प्लान अपडेट हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, वहां पे प्रीमियम और ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वो रेयर है। मोस्ट कंपनीज के प्लान 5% तक ही बढ़ रहे हैं। कुछ अच्छी बड़ी कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने प्रीमियम बढ़ाया ही नहीं है, जैसे कि स्टार हेल्थ है, मैक्स बुक है, मणिपाल सिग्नल है, ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने प्रीमियम बढ़ाया ही नहीं है। तो एक्चुअली बहुत सारे कस्टमर्स के लिए ऑप्शन है कि उतने ही प्रीमियम पे आप एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं जिसमें आप ज्यादा कवरेज है, ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा फीचर है। ओके, तो कुछ IRDAI की तरफ से ऐसे निर्देश गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो कि अब कंपनीज को फॉलो करनी है जिससे पॉलिसी धारक को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और अक्टूबर से ये तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं और उनका पालन भी किया जाना शुरू हो चुका है। और इसको और अच्छे से समझाने के लिए अमित बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ मरी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और आप सभी देखते रहिए जी बिजनेस।